नीतीश कुमार जी किस दबाव में निर्णय करते हैं ये तो वही बताएंगे। आनंद मोहन तो बहाना है, असली में बहुत दुर्गांत जो अपराधी हैं उनको बाहर करने की योजना से ये कदम उठाया गया है। हमारी पार्टी ने स्पष्ट किया है हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार की सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है। जी हां, बता दें आपको कि इसको लेकर हर तरफ से बयानबाजी हो रही है और वहीं नीतीश सरकार को भी घेरा जा रहा है। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला किया है और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर, सुनिए। देखिए, आनंद मोहन जी को जिन्होंने जिनके दौर में मुकदमा हुआ ये वही महागठबंधन के लोग हैं जिन्होंने 16 में कानून को बदला। उस वक्त भी नीतीश कुमार जी की ही सरकार थी, तब भी इन्होंने ही कानून बदला था कि अगर सरकारी अधिकारी की कोई हत्या में आरोपित होगा तो उसको रिहा नहीं करेंगे। अब नीतीश कुमार जी किस दबाव में निर्णय करते हैं ये तो वही बताएंगे। आनंद मोहन तो बहाना है, असली में बहुत दुर्गांत जो अपराधी हैं उनको बाहर करने की योजना से ये कदम उठाया गया है। भाजपा माले भी आवाज़ उठा रही है कि जो लोग टाटा में बंद हैं उनको भी बाहर किया गया। देखिए, हमारी पार्टी ने स्पष्ट किया है हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ बीजेपी हरदम रहती है, हमारा किसी व्यक्ति से कोई बैर नहीं रहता है। तो आपने सुना कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जो है शहनवाज हुसैन वो किस तरीके से नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हीं की ही सरकार थी जब आनंद मोहन के ऊपर ये कार्रवाई हुई थी और अब पता नहीं नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, किस तरीके के दबाव में आकर उन्हें छुड़ाने का काम किया है और ऐसे कानून में संशोधन कर दिया। और इतना ही नहीं, वो साफ तौर से यह भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो है आनंद मोहन के बदले में वैसे कुख्यात अपराधियों को छुड़ाने का एक तरीके से प्रयास है और उसी को लेकर ये पहला कदम जो है वो चल दिया गया है। और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो किसी व्यक्ति को लेकर कोई भी बात नहीं कहती, उसका विरोध नहीं करती, बल्कि अपराध और अपराधी को लेकर ये भाजपा जो है वो विरोध करती है। ये तमाम बातें शहनवाज हुसैन जो है वो भागलपुर पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने कहा कि किस तरीके आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है उसी पर तमाम बातें उन्होंने कही और नीतीश सरकार को घेरा है। तो बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।